तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल बढ़िया सब। तो गाइस दोबारा से खेलने वाले अपन GTA 5। और गाइस आज हम यहाँ पर अपनी इंडियन कार वर्सेस सुपर कार के बीच में गाइस टाइटैनिक जंप चैलेंज करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर देखने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में भाई अपनी कौन कौन सी गाड़ी चैलेंज कर पाती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये है गाइस अपना रैंप जिसपे अपनी गाड़ी भाई फुल रफ्तार में जाने वाली है। एंड उसके बाद उनको जंप लेके गाइस यहाँ पर जो टाइटैनिक खड़े हैं भाई दो बड़े बड़े, इनको पार करके इस बीच वाले एरिया तक पहुँच रहे हैं। तो जो भी गाड़ी गाइस इस चैलेंज को भाई कम्प्लीट कर लेगी वो अपने आज के चैलेंज में विनर होने वाली है। तो गाइज अपनी सबसे पहली कार है गाइज अपनी Hyundai की Venue। और आप सभी को तो गाइज पता ही है यार Venue कितनी कमाल की कार है। तो लाइक ये चैलेंज इसके लिए बहुत इजी होने वाला है। एंड देख सकते हो गाइज स्पीड जो है गाड़ी की बहुत खतरनाक है। एंड गाइज ये हमारा Venue ने जंप, और भाई साहब यहाँ पर जो है भाई इसने तो दोनों टाइटैनिक को बहुत ही आराम से यहाँ पर पार कर लिया है। तो गाइज अपनी फर्स्ट सुपर कार है गाइज यहाँ पर अपनी बुगाटी। और बुगाटी के लिए भी यार ये चैलेंज लाइक बच्चों का खेल होगा, क्योंकि आपको पता है यार बुगाटी कितनी खतरनाक भागती है गाइज। और ये देखो भाई बुगाटी की स्पीड भाई 240 की स्पीड से गाड़ी ने जंप किया है। और यहाँ पर जो है गाइज अपनी भाई बुगाटी ने भी जो है भाई ये चैलेंज बहुत ही इजीली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। गाइस अपनी अगली कार है गाइस अपनी ओल्ड इज गोल्ड टाटा सफारी डाइकोर। और आई नो मेरे को पता है यार कि जो अपने डाइकोर है गाइस वो ये चैलेंज बहुत ही इजीली कर लेगी। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गाड़ी की स्पीड जो है ओके 170 के अराउंड स्पीड रही है। अब देखना होगा कि ये पार हो पाएगी या नहीं। एंड ऑल राइट यार काफ़ी क्लोज है टाटा सफारी डाइकोर। एंड गाइस भाई एक बारी को तो लाइक मेरे को लगा था भाई ये गाड़ी फेल ना हो जाए, बट ऐसा नहीं है भाई अपने आज के चैलेंज में ये पास हो चुकी है। तो गाइस अपनी अगली सुपर कार है गाइस यहाँ पर अपनी ला फरारी। और फरारी भी गाइस बहुत आराम से जो है यहाँ पर ये टाइटैनिक के ऊपर से जंप कर जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी भाई बहुत खतरनाक हो रही। देखो भाई 200 प्लस की स्पीड से जो है गाइस यहाँ पर गाड़ी ने जंप किया है। एंड देख सकते हो यार बहुत ही आराम से जो है गाइस अपनी ला फरारी ने चैलेंज कर रहे हो। और ये देखो भाई ये तो सीधा एयरपोर्ट के अंदर ही आके लैंड हुई है। तो गाइस अपनी अगली कार है गाइस अपनी यहाँ पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। और देखते हैं गाइस S11 क्लासिक का क्या सीन होता है। इस गाड़ी पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल राइट यार स्पीड तो काफ़ी सही है भाई 170 प्लस की। और यहाँ पर क्या ये पार हो पाएगी। ऑल राइट पानी में गिरेगी, बट अगर इसका इंजन चलता रहा तो ये विनर हो जाएगी। एंड जी हां गाइस भाई अपनी जो है स्कॉर्पियो S11 क्लासिक भी ये चैलेंज कर चुकी है। तो गाइस हमने जो अपनी अगली गाड़ी ली है वो है गाइस अपनी बुगाटी सुपर 300। और भाई ये वाली कार भी यार आपको पता है गाइस इसकी स्पीड यार ये देखो भाई स्पीड देख रहे हो 200 प्लस की स्पीड से गाड़ी जंप कर रही है, और उसके बाद ये चैलेंज में फेल हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि भाई 200 प्लस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और देख सकते हो गाइस अपनी बुगाटी भी ये चैलेंज कर चुकी है। गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और क्या लगता है गाइस लेजेंडर कर पाएगी यार, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लेजेंडर थोड़ी भारी गाड़ी है तो मे भी थोड़ा दिक्कत आ जाए, बट स्पीड यार काफ़ी सही है 180 प्लस की स्पीड से गाड़ी जहाँ पर जंप कर रही है। एंड ऑल राइट गाइस यहाँ पर अपनी लेजेंडर भी जो है यार ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा इजीली कंप्लीट कर चुकी है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी पॉड की मस्टैंग GT। तो फटाफट से खुदाते हैं भाई इसको भी एंड देखते हैं कि ये भाई टाइटैनिक के ऊपर से जंप करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल राइट यार मस्टैंग की स्पीड भी भाई 200 प्लस की है गाइस, तो कर जाएगी यार ये भी जो है यहाँ पर बहुत ही आराम से गाइस जो है भाई आज का अपना चैलेंज गाइस यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस यहाँ पर अपनी महिंद्रा की XUV 700। और देखते हैं गाइस XUV 700 का क्या सीन होने वाला है। एंड ऑल राइट भाई प्रीमियम SUV जा रही है, और स्पीड ओके 165 की स्पीड से गाड़ी जंप कर रही है, मे बी ये दिक्कत में आ सकती है। एंड जी हाँ गाइस यहाँ पर जो है भाई अपने XUV 700 को ज़्यादा ही दिक्कत में हो, और ये जो है भाई आज की गाइस अपने चैलेंज में फेल होती है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी फरारी FXK। और लेट्स को देखते हैं गाइस ये वाली कार ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। ये चली गाइस अपनी फरारी यहाँ पर एंड देखते हैं क्या होता है। एंड ओके यार स्पीड से ही पता लग गया कि रिजल्ट जो है एक्चुअल में क्या निकल के आने वाला है। तो गाइस अपनी ये वाली फरारी भी जो है भाई आज के चैलेंज में पास होती है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी टाटा हैरियर। और देखते हैं गाइस अपनी इंडिया का लोहा ये चैलेंज करेगा या नहीं करेगा। गाइस क्या लगता है कि हैरियर कर पाएगी, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। एंड लेट्स गो हैरियर की भी स्पीड ओके यार 170 के अराउंड स्पीड रही है, तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। एंड ऑल राइट काफ़ी क्लोज है गाइस टाटा हैरियर और पानी में गिरने वाली है, बट इतने पानी में जो है गाड़ी सरवाइव कर चुकी है, और ये जो है गाइस आज के अपने चैलेंज में विनर होती है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी पोर्शे। एंड फटाफट से लेके चलते हैं गाइस पोर्शे को, और देखते हैं ये आज का चैलेंज कर पाएगी या नहीं। गाइस क्या लगता है, मेरे को लग रहा है पोर्शे कर जाएगी। और स्पीड ओके स्पीड काफ़ी अच्छी है भाई 180 की स्पीड है गाइस कार की। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ऑल लाइट ओ शिट गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ,
वो भाई पोर्शे की स्पीड काफी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, पर उसके बाद भी गाइस जो है भाई आज के अपने चैलेंज में भाई पोर्शे यहाँ पर फेल होती है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली टाटा सफारी, आई मीन भाई अपना न्यू इंडिया का लोहा यहाँ पर आ चुका है गाइस, एंड देखते हैं गाइस की न्यू टाटा सफारी ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल राइड स्पीड काफी अच्छी है गाइस न्यू टाटा सफारी की, देखते हैं गाइस क्या होता है। और ये हमारा जंप, और गाइस यहाँ पर जो है भाई अपनी न्यू वाली टाटा सफारी तो जो है आज के चैलेंज में गाइस विनर हो चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी माजडा RX-7, और एक मिनट यार इसको चलाने से पहले मैं लाइट बाहर निकालूंगा क्योंकि इसकी आंखें खुली होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इसको देखेगा भाई कि चैलेंज कितना खतरनाक है। एंड ऑल लाइट गाड़ी की स्पीड 170 के रही है गाइस, अब देखते हैं ये पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एंड ऑल लाइट गाइस भाई माजडा RX-7 ने अपनी आंखें भी खोल ली, बट उसके बाद भी जो है ये गाड़ी गाइस आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी चौड़े चौड़े टायर वाली भाई महिंद्रा थार, एंड देखते हैं गाइस अपने चौड़े चौड़े टायर कितना जो है यहाँ पर लाइक स्पीड बढ़ा पाते हैं। एंड ऑल राइट गाइस थार की स्पीड, ओके थार की स्पीड भी थोड़ी सी दिक्कतदायक मेरे को लग रही है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड ओके गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई अपनी महिंद्रा थार भी जो है गाइस भाई वो भी आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी ओल्ड इज गोल्ड न्यू कह रहा हूँ भाई अपनी रातता टाटा सुप्रा टोयोटा सुप्रा, भाई पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तुम्हारा भाई ना टोटली पागल हो चुका है। एंड भाई इसकी स्पीड देख रहे हो कितनी स्पीड थी, अच्छा कमेंट में बताओ रातता टोयोटा सुप्रा की स्पीड कितनी थी। और उसका जंप देखो गाइस भाई, अब तक का सबसे लंबा जंप मेरे को लग रहा है इसी वाली कार ने करा है, बाकी इसका भी कॉम्पिटिटर अभी बची हुई है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी मॉन्स्टर बीस्ट फोर्ड एंडियोवर, और एंडियोवर यार कर लेगी यार इस पे तो अपना मतलब तुम्हारे भाई का जो भरोसा है ना भाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का है, उतना है जितना कि लाइक तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। एंड स्पीड थोड़ी सी कम रही थी एंडियोवर की, बट ओके गाइस गाड़ी पानी में गिरी भाई एक बारी को, तो मेरे को लगा कि मैंने कुछ ज्यादा इसकी बाबाई कर दिया, पर ऐसा नहीं है भाई अपनी गाड़ी ने जो है चैलेंज यहाँ पर कर लिया है। गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी ऑडी R8, और देखते हैं गाइस अपनी ऑडी R8 ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं, क्या लगता है गाइस की ऑडी R8 फेल होगी या पास होगी। फिलहाल तो स्पीड यार काफी अच्छी है भाई, 180 की स्पीड है गाड़ी की, एंड जंप भी काफी सही हुआ है और हो गई गाइस पास हो चुकी है अपनी ऑडी R8 भी आज के चैलेंज में। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी मारुति सुजुकी ब्रीजा, और देखते हैं गाइस ब्रीजा ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइस अपनी मारुति सुजुकी ब्रीजा यहाँ पर, एंड देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड ऑल राइड यार स्पीड काफी अच्छी है यार, 190 की स्पीड से गाड़ी ने जंप मारा है, तो आई नो यार ये जो है भाई बहुत ही आराम से जो है यहाँ पर ये चैलेंज करने वाले और कर भी लिया है गाइस। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी निसान GT-R, और देखते हैं गाइस तुम्हारे भाई की जो है लाइक मन पसंदीदा कार आ चुकी है, तो क्या ये चैलेंज कर पाएगी नहीं देखना होगा गाइस। ओके यार GT-R की स्पीड, ओ यार स्पीड काफी स्लो है, मतलब लाइक 160 की स्पीड है, तो मुझे नहीं लगता। एंड जी गाइस भाई अपनी निसान GT-R जो है भाई वो आज के चैलेंज में फेल हो चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, एंड अभी मैं तो पता है क्या बोलने वाला था, मैं अभी टोयोटा सुपरा बोलने वाला था भाई, मेरा पता नहीं यार ध्यान पता नहीं कहीं और ही है गाइस, पता नहीं भाई कहाँ है। फिलहाल तो देखते हैं गाइस ये वाली गाड़ी ये चैलेंज कर पाएगी नहीं। एंड ऑल राइट यार स्पीड तो ठीक ठाक थी, बट गाइस भाई इनोवा बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी है, तो जिस वजह से क्या हुआ कि ये मतलब जंप पता है आप लोग समझ गए। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी बुगाटी वॉयड, और तुम्हारे भाई ने इसका नया नाम रखा है, क्या रखा है अच्छा आप लोग कमेंट में बताओ मैंने इस बुगाटी का नया नाम क्या रखा है, तब उससे पता ये लगेगा कि तुम लोग तुम्हारे भाई की जो वीडियो है उसको कितने अच्छे से और ध्यान से देखते हो यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है ना भाई वीडियो ना स्किप कर करके देखते हो, मेरे को पता है गाइस बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना तो भाई वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, अब पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। तो गाइज अपनी अगली गाड़ी है गाइज अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो, एंड भाई बिग डैडी SUV आ चुकी है गाइज चैलेंज पे, तो क्या लगता है कि बिग डैडी SUV कर पाएगी, देखते हैं गाइज। एंड ऑल राइट भाई बिग डैडी SUV की स्पीड काफी अच्छी है, 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो आई थिंक से कर जाएगी। एंड जी हाँ गाइज भाई अपनी न्यू वाली स्कॉर्पियो जो है गाइस आज के अपने चैलेंज में विनर होती है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी कोनिसिक जेस्को, और इस गाड़ी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, आप खुद ब खुद देख लो भाई, इसका परफॉर्मेंस देख लो, इसका जंप देख लो, इसका सब कुछ देख लो गाइस। स्पीड देखी थी भाई 250 की अराउंड स्पीड थी इस गाड़ी की, एंड आज मेरे को ये चीज समझ मतलब लाइक ये चीज मैंने आज देखी कि भाई सुप्रा से इसकी स्पीड कम रही है और ये इसने सुप्रा से कम जो है लाइक लंबा जो है जंप किया है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी महिंद्रा की बुलेरो नियो, तो लेके चलते गाइस नियो को और देखते हैं गाइस कि ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं, क्या लगता है गाइस कि ये चैलेंज कर देगी, देखना तो बनता है गाइस। एंड यहाँ पर स्पीड और 178 की थी,
तो थोड़ी सी दिक्कत में लग रही है न्यू एंड ऑल लाइट पानी में गिरेगी। एंड इतने पानी में भाई महिंद्रा की गाड़ियों को कुछ नहीं होता, मतलब ये गाड़ी बनी इन्हीं कामों के लिए है। तो गाइस अपनी अगली और लास्ट कार बची है वो है गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी सियान गाइस, और देखते हैं कि ये चैलेंज पूरा कर पाएगी या नहीं गाइस। मेरे को पता है यार लैम्बोर्गिनी सियान ये चैलेंज कर लेगी, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके कर जाएगी भाई, 200 की स्पीड है, बहुत आराम से जो है गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी सियान आज का जो है भाई यहाँ पर अपना चैलेंज पूरा कंप्लीट करने वाली है एंड कर भी लिया है गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी सियान ने आज का अपना चैलेंज। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि आज के अपने चैलेंज में ज़्यादा गाड़ियाँ फेल हुई हैं भाई, कितनी गाड़ियाँ यार काफ़ी अच्छी खासी गाड़ियाँ फेल हो गई हैं। एंड इनका फेल होने का रीज़न मुझे भी नहीं समझ आया कि किस रीज़न की वजह से यहाँ पर फेल हुई है। बाकी यार गाइस आज की वीडियो फिलहाल अपन यहीं पर ख़त्म करते हो, और अगर आप लोगों को यार गाइस ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफल हो जाएगी। बाकी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि गाइस हमें जल्दी अपने 200,000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करनी है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब मारो। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।